जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने रीवा आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज स्थानीय राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर जवाबी हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि अगर स्टालिन ने किसी और धर्म के बारे में इस तरह का बयान दिया होता तो अब तक सर तन से जुदा हो गया होता। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर उदयनिधि को सनातन धर्म से इतनी दिक्कत हो रही है तो वे अपना नाम बदलकर जनरल डायल स्टालिन रख लें। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंक खड़गे के बयान को लेकर भी गृह मंत्री ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि प्रियंक खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चिरंजीव हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने स्टालिन का जो समर्थन किया है, अब इस पर प्रियंक खड़गे को प्रियंका गांधी पर बोलना चाहिए जो गंगा पर डुबकी लगाती हैं। राहुल गांधी भी बोलें जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। अध्यक्ष जी के चिरंजीव हैं प्रियंक खड़गे जी, और स्वाभाविक रूप से जो स्टालिन जी का उन्होंने समर्थन किया है, अब इसमें प्रियंक खड़गे जी पे प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए जो गंगा में डुबकी लगाती है। राहुल गांधी जी बोले जो जनेऊ कोट के ऊपर डाल के दत्तात्रेय ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, वो इस पर मौन है, उनको स्पष्ट करना चाहिए। जहाँ तक स्टालिन जी का सवाल है, उनका नाम उदयनिधि है। स्टालिन जी ने अगर किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोला होता तो अभी तक सर्तन से जुदा हो जाता। अगर वो सनातन का इतना विरोध कर रहे हैं तो नाम बदल के जनरल डायर स्टालिन रख लें। उदयनिधि काय को रखा हुआ है नाम। भारत के नाम पर विपक्ष को आपत्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्थापना एओ ह्यूम ने की हो, जो आज भी इटालियन संस्कृति में ढली हुई पार्टी हो, उन लोगों को तो स्वाभाविक रूप से ये संस्कृति इंडिया की पाले हुए हैं, तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से रखा गया भारत नाम पे तो उन्हें आपत्ति होगी।